हाय फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है दाल गोश। दाल गोश घर पर बनाना बहुत ही इजी है। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। एक कप यहाँ पर हमने तुअर की दाल लिए हैं, जिसको एक घंटा भिगो कर रखे हुए थे। और एक कप चना दाल, इसे भी हमने भिगो कर रखे हुए थे। हमने एक कुकर में दोनों दालों को मिक्स करके लिए हैं। हम इसे बॉईल करने के लिए रखते हैं। अभी हम दोनों दालों के अंदर मिर्ची डालेंगे, टमाटर डालेंगे। और इसमें थोड़ा से पानी डालकर इसे बॉईल होने के लिए रख देते हैं। हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा ही पानी डालना है। अभी हम इसके 2 से 3 सीटी ले लेते हैं। सबसे पहले हमने गोश्त को अच्छी तरह से धोकर लिए हैं। अभी हम इसमें प्याज डालते हैं। कुछ गरम मसाले डालेंगे, खड़े काली मिरी, लौंग, इलायची और साजीरा। और इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। स्वादानुसार नमक, और 1 चम्मच तेल। आप आपके क्वांटिटी के हिसाब से भी तेल डाल सकते हो। और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे। और इसे इस कुकर को बंद करके इसकी 3 से 4 सीटी ले लेंगे। अभी हम एक कुकर में लौकी लेते हैं, दुधिया। एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। और स्वादानुसार नमक। और इसमें थोड़ा से पानी डालकर इसे 1 सीटी होने तक ले बॉईल करके लेते हैं। 3 बड़े प्याज लिए हुए, जिसको बारीक स्लाइसेस में कट कर लिए हैं। दो बड़े टमाटर, चार हरी मिर्च, हरा धनिया, कुछ गरम मसाले, लौंग, काली मिरी, दालचीनी, स्टार, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, साजीरा और तेज़पत्ता। ये हमने आखे गरम मसाले लिए हुए। एक चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। तीन चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट
तीन बड़े चम्मच इमली का जूस लेना है। हमने इमली को आधा घंटा पानी में भिगो कर रखे थे, फिर उसका रस अलग कर दिया है जूस। दाल अच्छी तरह से गल चुकी है, अभी हमने इसे घोट कर कुछ इस तरह से कर दिया है। एक बड़े बर्तन में हम तेल लेते हैं, हमने यहाँ पर दो चम्मच तेल लिए हैं। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें गरम मसाले डालते हैं। अभी हम इसमें प्याज और हरी मिर्च डालेंगे। इसे अच्छी तरह से लाइट ब्राउन होने तक हमें इस तरह तेल में भून लेना है। प्याज अच्छी तरह से लाइट ब्राउन हो चुके हैं, अभी हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। अभी हम इसमें टमाटर ऐड करते हैं। टमाटर भी अच्छी तरह से अभी गल चुका है, अभी हम इसमें गरम मसाले ऐड करते हैं। अभी मसालों से तेल अलग होने लगा है, अभी हम इसमें गोश्त ऐड करते हैं। अभी हम गोश्त को मसालों में अच्छी तरह से पका लेंगे। पहले ये देखिए मसाले और गोश्त अच्छी तरह से पक चुका है, अभी हम इसमें जो बॉईल करके रखे हुए थे दाल वो डाल देते हैं। और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इसमें इमली का पानी डालते हैं। अभी हम इसमें दुधिया ऐड करते हैं, लौकी। इसे भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अभी हम इसमें स्वादानुसार नमक डालते हैं।
इसे मिक्स कर लेते अच्छे से। अभी हम इसे धीमी आंच पर 5 से 10 मिनट पकने देते हैं। ये देखिए दालचा अच्छी तरह से अभी पक रहा है। अभी हम इसमें हरा धनिया डालते हैं। हमने हरा धनिया के साथ में थोड़ा से पुदीना भी लिए है, आप आपके टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हो। अभी हम इसे 5 मिनट पका लेते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, दाल गोश रेडी है। आप भी इसे जरूर ट्राई करिए और आपके कमेंट हमारे YouTube चैनल खाना पकाना पर जरूर भेजिए। थैंक यू।